ग्लो भी होना चाहिए, फेस फेयर भी दिखाई देना चाहिए, फेस पे कोई स्पॉट भी नहीं होना चाहिए। तो फेयर होने के लिए कौन सा पैक यूज़ करें? ग्लो लाने के लिए कौन सा पैक यूज़ करें? डार्क स्पॉट के लिए कौन सा पैक यूज़ करें? क्या आप भी इस तरह के क्वेश्चन से परेशान हैं? स्टॉप, आपको ऐसे क्वेश्चन से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो टोनर आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ वो इतना इफेक्टिव टोनर है कि ये पहले तो बहुत इजीली बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आपके घर में भी बहुत आसानी से इसको आसानी से मिल जाएगा, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, और जो रिजल्ट इसका होगा वो इतना माइंड ब्लोइंग होगा, इतना माइंड ब्लोइंग होगा कि आप खुद सोचोगे कि एक छोटा सा टोनर मुझे इतने सारे बेनिफिट कैसे दे सकता है। लेकिन ये जो है ये ऐसा पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें जो है ये टोनर जो है वो आपके फेस पे ऐसा कमाल करके दिखाएगा। तो है ना कमाल का? तो आप भी एक बार इस टोनर को अपने फेस पे लगा कर देखें, आपका फेस जो है ग्लोइंग, फ्लॉलेस, और साथ ही आपका जो आप अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा फेयर दिखाई दे, वो भी ये काम करना शुरू करेगा। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्चना, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टोनर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? टैमरिंड, ये आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब अभी तो आपके घरों में ये सारी चीज़ें होंगी, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में रहती हैं, क्योंकि हमें पता है हम बाहर का नहीं खा सकते, तो हम घर पे ही ये सारी चीज़ें बना के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो टैमरिंड का इसमें यूज़ है। जो ये टैमरिंड है वो देखिए आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके फेस पे अगर कोई स्पॉट है तो उस स्पॉट को ये दूर करने का काम करेगा, और आपके स्किन को फेयर एंड फ्लॉलेस बना देगा। इतना इफेक्टिव ये टैमरिंड है। तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको वार्म वाटर लेना है, गर्म कर पानी, उसमें आपको इसमें आप 5 to 6 पीस निकालोगे तो छोटा छोटा पीस निकलता है ना, वैसा आपको 5 to 6 पीस जो है उस हाफ ग्लास पानी में 30 या 40 मिनट के लिए सोख करके रख देना है। 40 मिनट बाद देखोगे उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि जो आपका होता है ना कि जो टैमरिंड है वो बिल्कुल वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आप देखोगे इसका कलर जो है वो ऐसा हो चुका होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसा कलर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, देखिए ये जो मेरा पानी निकला आपका 4 to 5 स्पून होगा, इसमें आपको 1 स्पून जो है वो हनी ऐड करना है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको जैसे ये क्या होता है कि अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ते हो तो रिजल्ट और अच्छा मिलता है, तो अगर आप चाहते हो ओवरनाइट छोड़ने में लेकिन आपको लगता है कि हनी से थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा कैसा तो चिप चिप सा करता है, अगर वो प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे ऐड कर दोगे ना, तो सोचिए कहते ना सोने पे सुहागा, वो चीज़ इसमें हो जाएगा। तो आप इसमें 1 स्पून जो है आप इसमें हनी मिक्स करोगे। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है, अब आप सोच रहे हो कि मैम ने बोला बहुत इजीली बन जाएगा और फिर एक एक चीज बताई जा रही है, जी नहीं, ये लास्ट है, बस आपको एक और चीज ऐड करना है, वो है ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले जा सकते हो, चाहे वो कोकोनट हो, आलमंड हो, ऑलिव हो, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अगर आपके पास इन सब में से ये सारी चीजें भी ना हो तो थोड़ा सा देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, या तो आप विटामिन ई की कैप्सूल आती है ना वो भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें ये समर है, समर में तो आपको पता है स्किन जो थोड़ी ऑयली होती है, तो बिल्कुल 2 ड्रॉप्स इसमें इसको आपको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो भी विटामिन सी होता है, आपको पता है इमली खट्टी होती है, खट्टे चीज़ों में तो विटामिन सी पाया जाता है, तो कोशिश करें जिसमें भी आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमेशा उसको डार्क बॉटल में ही भर के रखें। नहीं तो इसे यूज़ करने का तरीका क्या है,
आपको इसे देखिए, अगर आप कहीं वर्किंग बाहर नहीं जाते, आप घर में रहते हैं, तो आप इसे 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। लेकिन आप वर्किंग है, क्योंकि विटामिन सी है तो आपको धूप में नहीं जाना है, तो आप फिर मॉर्निंग का स्किप कर दें। नाइट टाइम में आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उस पर आप स्प्रे पे इस पर फिल कर लीजिए और इजली अपने फेस पे ऐसे ऐसे स्प्रे करके छोड़ दीजिए ओवरनाइट के लिए, नहीं तो 1 आवर के लिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी कांच का कंटेनर ले सकते हैं और उसमें आप कॉटन लेंगे, कॉटन को डिप करेंगे और उसे आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से जो है आप अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ये बहुत अच्छा है, मैं इसको 10 to 15 days से यूज़ कर रही हूँ, और सिर्फ मैं अपने फेस पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने 2-3 लोगों के और ये ट्राई करने के लिए दिया था, तो मुझे इसका रिजल्ट इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इस रेमेडी को, क्योंकि ये बहुत इजी भी है, तो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसलिए आप लोग के साथ भी ये रेमेडी शेयर की। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक जो है मेरे साथ शेयर करें। आप इसे अपन फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप 1 आवर के बाद वॉश कर लीजिए। तो है ना ये बहुत इजी रेमेडी, इजी भी है और बहुत इफेक्टिव भी है, तो आप इस टोनर को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो देख लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मैसेज करने के साथ साथ मुझे जो आप लोग DM करते हो कि मैडम आपका ये अच्छा लगा, रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैं आपसे यही हो आशा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दिया करें, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो देखने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और इसके साथ एक बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।